हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पर दिन है रविवार का, तो यहाँ पर रविवार को बाल धुले थे, तो दोस्तों यहाँ पर बालों को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है और अच्छे से बालों को झाड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा कंघा नहीं करती हूँ क्योंकि गीले बाल जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं झड़ने लगते हैं। पहले मैं गीले बालों पर ही कंघा करती थी, लेकिन अब कर लेती हूँ क्योंकि पूजा के टाइम जब बाल धुलते हैं तो बांध भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने हल्का सा ही कंघा किया था और बहुत ज़्यादा बालों को सुलझाया नहीं था, क्योंकि बाद में सूख जाते हैं, तभी मैं अच्छे से फिर कंघी कर लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों टीवी चल रही है, तो टीवी में भजन बहुत ही अच्छे आ रहे थे। फ़ोन पर मोबाइल पर कभी कभी भजन सुन लेती हूँ, वैसे तो टीवी पर ही सुन लेती हूँ क्योंकि मोबाइल पर फिर ऐड आ जाता है तो फिर बंद हो जाता है, और सुबह का टाइम मुझे बहुत ही काम होता है तो फिर टीवी को ऑन कर देती हूँ। और भजन वाला चैनल सुबह के टाइम आता है, तो मतलब सुबह के टाइम 2-3 चैनल पर भजन आते हैं, तो फिर मैं एक लगा देती हूँ और चल भजन जो है वो बजते रहते हैं और अच्छा लगता है काम करने में। और दोस्तों आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, आँखों से आंसू निकल रहे हैं। बताएं क्यों? पानी पी लिया था मैंने फ्रिज का, और मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, मुझे फ्रिज वाला पानी नहीं अच्छा लगता है। और मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन इसी चक्कर में फिर नहीं पीती हूँ, लेकिन बहुत ही ठंडा पानी था और मैंने थोड़ा सा पी लिया और आज मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कल से, और वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया, बस फुलाई क्लेचर लगा लिया है, और उसके बाद जब हल्के से सूख जाएंगे तो फिर बांध लूँगी। जूड़ा लगा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है बालों से, खुले बालों से मैं हमेशा जूड़ा लगा के ही रखती हूँ, मुझे खुले बाल हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं, और फिर खाना वगैरह बनाओ तो फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, कहीं निकल आता है तो फिर बहुत ही इच्छा नहीं होती खाना खाने में, तो फिर इसीलिए ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। और दोस्तों आप सभी से एक बात पूछनी है, तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना, तो किन किन दोस्तों को हमारे सुबह के टाइम भजन अच्छे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर बाल बांध लिए, अब पूजा करूँगी, और यहाँ पर देखिए आप लोग मैं तैयार हो चुकी हूँ, इस तरह से होती हूँ। और सुबह के टाइम अब जाके हम पूजा करेंगे, तो टाइम होगा लगभग 6:30 बजे का, संडे को थोड़ा लेट हो जाता है, सभी काम करती हूँ तो फिर साफ सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, तो फिर इसीलिए देर हो जाती है, 7 बजे तक हमारी पूजा पाठ हो जाता है, चाय भी बन जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, पूजा में टाइम लगता है, बस थोड़ा ही मैंने दिखाया है, वैसे पूजा में मुझे आधा घंटा लग जाता है। भगवान के पास साफ सफाई करनी होती है, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ, पूजा की थाली वगैरह बनाती हूँ, तो फिर आधा घंटा लग जाता है पूजा में। पर दोस्तों पूजा हमारी हो चुकी थी और आ गई हूँ अपने किचन में, तो इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बन रही है, दूध भी मतलब उबाला था तो दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। सॉरी दोस्तों, कच्चा दूध जो आया था वो उबलने के लिए मैंने रख दिया है, और चाय भी बन रही है। तो आज मुझे चिप्स और पापड़ भूनने हैं क्योंकि नाश्ते में अच्छे लगते हैं, और सुबह के टाइम थोड़ा सा संडे को
जब डेली के डेली पराठा वगैरह नाश्ता कर लेते हैं तो फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा बना लेती हूँ। और मुझे बिस्किट वगैरह बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत नमकीन खा लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि चिप्स और पापड़ भूनने का, तो फिर मैंने भून लिए। थोड़ा सा मैं बेटी के चक्कर में डेली नहीं भूनती हूँ क्योंकि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर ये बहुत ज़्यादा खा लेती हैं तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है गर्मियों में तली भुनी चीज़ें, इसीलिए फिर मैं नहीं भूनती हूँ। और यहाँ पर मैंने चिप्स और पापड़ निकाल लिए हैं और भून लूँगी। तो चाय बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, ये चाय के साथ मेरा फेवरेट नाश्ता यही है दोस्तों। तो ढेर सारे बनवाए थे और हमारे हस्बैंड जी को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू के पापड़ और चिप्स दोनों चीज़ें। रेडीमेड जो आती हैं वो नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने फिर बनवा लिए और बना लिए खुद भी थोड़े बहुत। तो यहाँ पर दोस्तों नाश्ता तैयार हो रहा है। और जो भी दोस्त हमारे वीडियो को फुल वॉच करते हैं और अपना कीमती टाइम मुझे देते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहें और अपने जीवन में आप सभी यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी, तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए लगा दिया है नाश्ता, क्योंकि सबसे पहले मैं आप सभी को बताया उन्हीं को चाहे खाना हो चाहे नाश्ता हो सबसे पहले उन्हीं को देती हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, तो नाश्ता हम लोग चाय नाश्ता मतलब साथ ही करते हैं। और यहाँ पर आई थी अमिया, ये पापा लेके आए थे, तो यहाँ पर अमिया हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं कच्ची अमिया इस टाइम, और इनको छील लूँगी। और यहाँ पर मैंने प्याज भी ले लिया है, तो आज बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी जो वो भी हल्दी वाले बैंगन की सब्ज़ी। और दोस्तों यहाँ पर दूध रखा है, आप सभी को दिखा रहे हैं, दो अलग अलग भगवने में रखा है क्योंकि एक दिन पहले का है और एक आज का है। इस टाइम मेरी बेटी को मतलब दूध नहीं पीती है और दवाई खाती है, इसीलिए दूध कम देती हूँ। वैसे ये गाय का दूध है, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन वो पीती ही नहीं, तो इसीलिए फिर ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी हूँ खाना 8:30 बजे के टाइम, 9 बजे के टाइम। तो आज बनाऊँगी बैंगन आलू की हल्दी वाली रसेदार सब्ज़ी, जो हल्की रसेदार होती है, बहुत ज़्यादा रसा नहीं बनाएंगे, थोड़ी रसा उसमें थोड़ा सा रसा करूँगी। और यहाँ पर उसमें डालूँगी मैंगी मसाला, ये बहुत ही सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही कर देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा ही डालना चाहिए क्योंकि बहुत ही तेज़ होता है ये मसाला, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। और बनाऊँगी मोटी मोटी बेसन की रोटी, तो हमारे पापा को बेसन की रोटी ज़्यादा पसंद है, तो फिर आज संडे था तो मैंने सोचा, वैसे तो डेली वो भी जाते हैं ड्यूटी। और यहाँ पर देखिए बैंगन की सब्ज़ी मतलब छौंक दी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और लगभग 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी, तब अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पर मैंने 2 तरीके का आटा लगाया है, एक है बेसन का और एक नॉर्मल आटा है। तो बेसन की रोटी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ ससुर जी को, तो उनके लिए आज संडे है तो फिर बना दूँगी, गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं, गैस पर ही बना लेती हूँ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन की रोटी। और कभी कभी गर्म खाना मिलता है इन लोगों को, क्योंकि फिर खा के सुबह जाते हैं वो तो पराठा वगैरह खा के जाते हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं ये दोपहर में ही अच्छी लगती हैं। और शाम को तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चावल ही बनते हैं, आम लोगों से क्यों छिपाना, क्योंकि शाम को ये भी चावल खाते हैं और मुझे भी मतलब मैं भी खा लेती हूँ, और हमारे जो पापा हैं मतलब ससुर जी वो भी शाम को रोटियाँ, वो तो बहुत ही हल्का खाना खाते हैं, बस थोड़ा सा दोपहर में ठीक खा लेंगे,
और शाम को बिल्कुल भी बहुत ही हल्का खाना खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, उसको हल्का सा मैंने खोल के पका लिया है ढक्कन हटा के, और यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो पहले मैंने हाथ से बनाकर देखी रोटी, जो मतलब हाथ से बनाई जाती है तो फिर बन गई थी, लेकिन थोड़ा सा बेसन का आटा जो था वो मेरा गीला हो गया था, तो फिर इसीलिए गोल रोटी नहीं बनी थी। तो फिर मुझे गोल रोटी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको गोल कर दिया था। और हाथ से बना लेती हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं बनती है। और जो भी दोस्त हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप में। और दोस्तों हमारे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी मोटी रोटी नहीं पसंद है बेसन वाली। यहाँ पर मैंने गाय के लिए थोड़ी सी चीनी रख दी है, थोड़ी सी सब्जी रख दूँगी, और गाय को सबसे पहले गाय की रोटियाँ निकालती हूँ, तो मैं दो निकाल देती हूँ। और दोस्तों हमारी मोटी मोटी रोटियाँ बन रही हैं गैस पर, गैस पर बहुत ही अच्छी बन जाती हैं, लगातार उन्हें पलटती रहती हूँ और अच्छी सी कुरकुरी रोटी तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले लगाऊंगी थाली पापा के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि गले में फंसने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थाली लग चुकी है पापा जी के लिए, और गांव की देसी थाली अगर आप सभी को पसंद आई हो। और दोस्तों आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।